श्रावण के शुभ महीने में मेरी मनोकामना पूरी हुई। मतलब श्रावण के शुभ महीने में मुझे जागरनाथ बाबा के दर्शन हुए और मैं जागरनाथ आ चुकी हूँ। बहुत पुरानी मन्नत थी वो, आज मैंने पूरी की है। दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। आज है 17 अगस्त 2021 और अभी मैंने नहा धो के सब अच्छे से तैयारी कर ली है। अब जा रही हूँ स्कूल और नियो को मैं आज अकेले छोड़ के जाने वाली हूँ। ये देखो बैठा है यहाँ पे, क्योंकि दीदी और अमन जा चुके हैं। जब तक मैं जाऊँगी तब तक वो अमन आ जाएगा, तो थोड़ी देर इसको अकेले रहूँगी। भौकेगा तो भौकेगा, देखा जाएगा। तो चलिए निकलती हूँ और जरूर बताइए, कमेंट कीजिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ ही दिन में रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन के लिए फिर वहां जाएंगे हम लोग अपनी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग कोई भी त्यौहार साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी, इसीलिए 2 दिन से आपने देखा मैं शॉपिंग कर रही थी। अब शॉपिंग का भी मुझे डालना है, जो जो मैंने सामान लिया वो आपको मुझे दिखाना है। आप कमेंट करके बताइए कि करूँ या ना करूँ, दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, और हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अभी मैं जाऊँगी तो मुझे पता है नहीं, वो बहुत भागने वाला है, क्योंकि दीदी और अमन दीदी को छोड़ने जा चुका है। और अब मैं निकल जाऊंगी तो नियो अकेला रहेगा, तो डेफिनेटली वो भौंकने वाला है। पर इसको कुछ देर तक के लिए छोड़ने ये जाती, इसको भनक लग गई, उसको समझ में आया कि मैं जा रही हूँ, इसलिए आ गया बाहर। बहुत बहुत चालाक है और बहुत बदमाश भी है। अभी अभी भौंकेगा, मुझे जाने नहीं देगा। करने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है और अभी देखो नियो इधर बैठा है अंदर छुपके, लेकिन मेरे जाते ही किस तरह से भौंकना शुरू करेगा, देखना। बाहर मत निकलो, हाँ अभी आता है भैया, आता है, भौंकना नहीं। भौंक रहा है, थोड़ी देर भौंकने दे, थोड़ी देर भौंकने दे। निकलते ही अमन आ गया, मैंने उसको बोला थोड़ी देर रुक जाना फिर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो जो अकेले नहीं रहता है, तो अकेले थोड़ी देर रह ले तो हम लोग को बहुत अच्छा हो जाए। और चूंकि वो अकेले रहता नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। और शुरू से डॉग लोग को तो हम लोग ने मतलब रेस्क्यू किया है, तो फिर हम लोग को उसको अकेले वो बिल्कुल रहना नहीं चाहता बिल्कुल। अगर थोड़ी देर अकेले रह लेना तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाए। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्कूल। और हाँ, मेरी जो नई चप्पल थी वो टूट गई थी, तो कल अब मैंने, क्योंकि वो हील वाली थी तो मेरा पैर स्लिप हो गया, और उसको अब मैंने स्टिचिंग करने के लिए वही शॉप में दिया, क्योंकि 3 महीने की वारंटी थी। अरे हम लोग आ गए, हम लोग आ गए। थैली दिखता, दे रही थैली, दे दो कुछ इनको। ये है नियो के लिए, आ जाओ नियो। बाप ले, कितनी दूर से लिया इसने। मैं स्कूल से और थोड़ा सा रेमंड शॉप जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। निकल रही हूँ, वहाँ मेरी स्कूटी खड़ी है। लेकिन सच में मेरा जो पहला हेलमेट था ना, बहुत बहुत हैवी था, और ये सच में बहुत लाइट वेट है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मेरे मतलब ये हेलमेट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो चलिए फटाफट अपनी स्कूटी निकाल लेती हूँ। ये है मेरी स्कूटी, ये है मेरी सलोनी, इससे मैं आपको पहले भी मिलवा चुकी हूँ। तो फटाफट चलते हैं अब। तो बता दूँ आपको, मैं इतनी दूर की गाड़ी कभी चलाती नहीं हूँ, बट आज मैं बहुत दिनों बाद गाड़ी निकाली। इतनी दूर हाईवे पे मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, बट धीरे धीरे अपना डर अंदर जाना चाहिए, इसलिए मैंने आज गाड़ी निकाली और इतनी दूर मैं आ गई हूँ अपने घर से। इस मंदिर, ये जो प्राचीन मंदिर है, इसका ये मंदिर का नाम है भोले बाबा का। श्रावण का महीना है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मंदिर के दर्शन किया जाए, भोले बाबा के दर्शन किए जाए। तो फिलहाल मंदिर तो बंद है, लेकिन मुझे दर्शन बाहर से मिल गए। और भगवान जी आपकी भी मनोकामना पूरी करे, भोले बाबा मेरी भी मनोकामना पूरी करे, यही मनोकामना मेरी है। श्रावण का शुभ महीना है और इस शुभ महीने में मेरे दो दो बार शंकर भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं, एक वहाँ के पिंपलेश्वर मंदिर में और यहाँ पे ठाणे के जागनाथ मंदिर में। मैंने दो दो बार दर्शन कर चुकी हूँ, तो ये सोच के बहुत ही मन को खुशी हो रही है कि मैंने भोले बाबा के दो बार दर्शन किए हैं। क्योंकि देखिए मंदिर इस समय सब बंद है, कितने दिनों से हम गए नहीं। मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाती हूँ और चलिए फिर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सोमवार को नहीं आ पाई, आज आई, निकली थी किसी और काम से, फिर अचानक से मन किया चलो हाईवे पर निकाला जाए, और कहीं अब निकले हैं तो गाड़ी का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने गाड़ी निकाल ली।
बहुत ही प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू मंदिर है, श्री जगन्नाथ महादेव मंदिर। और मेरी बहुत दिनों की, एक्चुअली बात क्या है ना, बहुत दिनों की मेरी एक मनोकामना थी, वो जो मैंने यहाँ पर आके मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई थी, और मैं तब से आ नहीं पाई थी यहाँ पे दर्शन के लिए। तो आज कहते हैं ना, भगवान जी के दर्शन पे तभी हम जा सकते हैं जब भोले बाबा या भगवान जी हमको बुलाते हैं। तो कह लीजिए मनोकामना मेरी, वो जो मैंने विश की थी वो पूरी हुई थी, पर मैं आ ही नहीं पाई थी। तो आज बहुत दिनों बाद भोले बाबा के दर्शन में जगन्नाथ मंदिर आई हूँ, और आशा करती हूँ कि आज जो मैंने मनोकामना पूरी मांगी है वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी, जगन्नाथ बाबा मेरी जल्दी ही पूरी करेंगे। और तब मैं फिर जिस दिन वो पूरी होगी, मैं वो जो भी मेरी मनोकामना है तब मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी आपसे। ये देखिए मंदिर का व्यू कितना सुंदर है, आपको नीचे का भी दिखाती हूँ। ऊंचे पहाड़ों पर है ये मंदिर, थोड़ी सी पहाड़ पे दिखाती हूँ कि आसपास कितनी हरियाली है। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, उतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आनी पड़ी। ये जी भी हमको मिल गए हैं बंदर जी। ये देखिए, अच्छा हुआ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरी सलोनी को इधर खड़ी करती हूँ, और देखिए दो दो हेलमेट, एक हेलमेट ऑलरेडी गाड़ी में था, दूसरा हेलमेट जो कल खरीदा था वो लिया था, तो अब मैं दोनों हेलमेट में से एक हेलमेट रख दूंगी। ये जो बाद में लिया काफ़ी हल्का है और ये वजन है, लेकिन वही मैं अमन को बताने वाली हूँ कि हल्का है लेकिन शायद ये ज़्यादा सेफ्टी होगा ना, इसमें ज़्यादा सेफ्टी होगी। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं, सुबह से कुछ गई नहीं, आज बहुत दूर लंबी राइड थी मैंने, दूर की गाड़ी पहली बार मैंने चलाई बहुत, नहीं तो मेरा चलना गाड़ी से बहुत कम होता है, और इतना कम होता चलना है इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए जो मन में डर है वो नहीं निकला अभी तक। तो चलिए फिलहाल अभी आई हूँ, चलती हूँ ऊपर लिफ्ट पे। बहुत अच्छा लगा लेकिन इतनी दूर की गाड़ी करके। और निया मेरे पीछे पीछे आ गया है, क्या कर रहा है पगलू, हट हट, कुछ नहीं दूंगी, देखो मैं कुछ नहीं दूंगी। मौसी आ गई है, बन रही है कड़ू दाल, यहाँ पे दीदी ने छौंक दिया है, इसमें चावल बन चुके हैं। चलिए अब खाना खाने जा रही हूँ, और बहुत थक गई हूँ आज, तो चलिए वीडियो की एंडिंग करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।